अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बढ़िया सा पुलाव बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है मगर बहुत टेस्टी है। तो जिसके लिए देखिए, ये कुछ चीज़ें ले ली हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़े से गाजर ली हूँ मैं, जिसको इस तरीके से कट कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, एक नींबू ली हूँ, दालचीनी का एक टुकड़ा, साबित काली मिर्च, शाहजीरा 1 टीस्पून, और कुछ काजू ले ली हूँ मैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च 6 से 7 है, जिसको इस तरीके से कट कर ली हूँ मैं। और ये बटाने, और यहाँ पे देखिए प्याज ले ली हूँ, जिसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कर ली हूँ। ये 2 मीडियम साइज की प्याज है। ये 3 मीडियम साइज के आलू थे, जिसको इस तरीके से कट कर ली हूँ। आप लोग चाहे तो अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। पनीर भी डाले तो गोभी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा दही ली हूँ मैं 1 कटोरी के करीब। और यहाँ पे देखिए, एक भगोना ले ली हूँ मैं, इसमें सबसे पहले मैं तेल डाल दूंगी। तो 1 कटोरी तेल डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसमें प्याज डाल दूंगी मैं सबसे पहले। तो ये प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए, प्याज फ्राई होने आ गई है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करी हूं मैं। अब इसमें मैं ये सारी चीजें डाल दूंगी, शाहजीरा, काजू, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, इसको भी भून लेना है। काजू को भी इसमें फ्राई कर लेना है। तो ये काजू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं बाकी की चीजें डाल दूंगी। तो गाजर डाल दे रही हूँ, टमाटर भी डाल दूंगी। इसमें आलू भी डाल देना है। हरी मिर्च, हरा मसाला, और ये सारी चीजें डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। तो एक सारी तरकारी डाल दी हूँ मैं इसमें। अब ये तरकारी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बटाने नहीं डाली इसमें, जरा जल्दी गल जाते बटाने, तो जरा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं बटाने डाल दूंगी इसमें। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तरकारी भी अच्छे से भून ली हूँ मैं। अब इस टाइम में इसमें मैं अदरक लहसुन डाल दूंगी, तो 1 चम्मच फुल है ये चम्मच से। और ये ब्लैक पेपर पाउडर, तो ये 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ मैं। धनिया 1 टीस्पून फुल। तो सारी चीजें अच्छे से भून रही हूँ। सारी चीजें डाल
करके इसको अच्छे से भून ली हूँ मैं। अब इस टाइम में मैं इसमें दही डाल दूंगी और बटाने भी डाल दूंगी। और ये दही बटाने डाल के इसको 1-2 मिनट भूनना है। तो इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, चावल के हिसाब से भी नमक डाल रही हूँ मैं, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए इसमें। तो 3 चम्मच नमक डाल दी हूँ मैं। इस टाइम में मैं इसमें नींबू डाल दूंगी। यहाँ पे देखिए ये बासमती चावल है, तो ये 1 किलो चावल है, ये बासमती चावल है और इसको मैं आधा घंटा भिगा के रख दी थी। और बासमती चावल जितना ज्यादा भिगाएंगे उतना अच्छा टेस्टी और बहुत लंबा बनता है। बासमती चावल भिगा के रखने से क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है इसकी। देखिए मसाले बटाने सब अच्छे से भून ली हूँ मैं। आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, मगर मेरे को व्हाइट ब्लाउज बनाना है इसलिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ इसमें। और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो ये पूरा 1 लीटर पानी डाली हूँ मैं इसमें। इसको उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसमें चावल डालूंगी। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, अब इस टाइम में मैं इसमें चावल डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस टाइम में आप लोग नमक चख सकते हैं, कम ज्यादा हो तो डाल सकते हैं। तब ये ढक्कन लगा दो। देखिए ढक्कन लगा दिया, पानी भी पूरा सूख गया है। और अब इसको दम पे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 6 पे 5 मिनट के लिए दम देना है इसको। तो ये देखिए चावल अच्छे से दम हो गए हैं और आलू भी बहुत अच्छे से गल गया है, पूरी तरकारियां अच्छे से गल गए हैं। तो ये बढ़िया सा पुलाव बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस टाइम में फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लूंगी। तो ये देखिए राइस कितना खिले खिले है ये। तो ये देखिए यम्मी सा पुलाव प्लेट में निकाल ली हूँ मैं और चावल भी बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोग को जरूर पसंद आएंगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग इस पुलाव को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।